नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनिका एरन हिंद किसान में। आज हमारे साथ हैं वीएम सिंह जी, जो कि कन्वीनर है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के, और 6 जुलाई से जो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हैं उनका ब्याज समेत भुगतान की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 तारीख लखनऊ में ये मुकर्रर हुआ था, 15 और 16, ये 2 दिन। आइए उनसे पूछते हैं कि 6 जुलाई से यहाँ तक का सफर कैसा रहा और उनकी जो सबसे प्रमुख मांग है कि गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान मिले और उनकी जो फसल का सही भाव है वो मिले, वो उस पर क्या है लेटेस्ट। जी वीएम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले, गन्ना किसानों को कब मिलेगा ब्याज समेत भुगतान, यही सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आज 1995 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ब्याज किसानों को मिले। जब किसान गन्ना लगाता है वो ऋण लेता है, सोसाइटियों से लेता है, बैंकों से लेता है, और अपने टाइम पे नहीं कर सकता क्योंकि मिल उसको पे नहीं करती है, पर टाइम से ना पे करने के कारण उसको ब्याज देना पड़ता है और साथ साथ पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो हमारा यह है कि अगर हमें पेनल्टी देनी पड़ रही है तो हमें क्यों ना मिले ब्याज। कोर्ट ने भी कह दिया है, अवमानना का नोटिस भी आ गया है, पेश भी हो गया है केन कमिश्नर, अल्ट्रामा एरिया में दे रहा हूँ, फिर भी 2 साल हो गए हैं, ब्याज नहीं मिला। ब्याज देने से कतरा रहे हैं, पर किसानों का ब्याज लेने से कतराते नहीं है ये लोग। इसलिए हमारा बड़ा सीधा है कि ब्याज तो लेना ही लेना है जी। और ये लड़ाई जो है 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हर जिले के अंदर थी। उनको कहा गया कि वे ब्याज का एक काम करो, हर किसान को इतना तो मालूम चले कि उसको मिलेगा कितना, 10 साल का ब्याज कितना मिलेगा। इनके पास सोसाइटी के आंकड़े हैं, जिले के आंकड़े हैं, पर इंडिविजुअल केंद्रों के आंकड़े नहीं है। बड़ा अजीब लगता है, देश के अंदर जो है जो भी होता है स्टेट्स का होता है तो स्टेट्स जो है उसके हिसाब से उनको जो एलोकेशन होता है नहीं होता मालूम चल जाता है। वैसे ही जब जिले के अंदर आपने रेट बता दिया इतना इतना ब्याज है, वो जितनी सोसाइटी है उनको जोड़ के बनता है। अब सोसाइटी से कैसे बनेगा, रोज को जोड़ के बनेगा ना जी। तो आपके पास है, देना नहीं चाह रहे, तो क्या रोज का आकलन हो रहा है? जो केन प्राइस पेबल अकाउंट होता है, जो फैक्ट्रीज को भी मेंटेन करना होता है, क्या उस अकाउंट का रोज के रोज अपडेट हो रहा है, एक क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है? और आपके इस आंदोलन में जो ये प्रमुख मांग थी 6 तारीख से अब तक कि लोगों को पता चले, उस पर क्या अपडेट है? मुझे तो अपडेट कुछ नहीं है, क्योंकि डीसीओ ने कहा कि हमारे पास नहीं है, डीसीओ ने कहा, और हम जो है केन कमिश्नर के पास आए, केन कमिश्नर ऑफिस आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है आप डीसीओ के बाद वापस जाइए। तो किसान तो फुटबॉल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और अब देखना है कि कितनी किसकी हिम्मत है। हिम्मत तो बढ़ जाती है ना जब जो इनके आका इनके साथ बैठे होते हैं। गन्ना मंत्री लगता है उसका मन तो है नहीं ब्याज देने का, पता नहीं। मुख्यमंत्री बड़े बड़े आंकड़े दिखाते हैं, मैंने इतनी पेमेंट कर दी, ब्याज की बात नहीं करते हैं, पेमेंट की बात नहीं करते हैं, रेट की बात नहीं करते हैं। अब देखना है कैसे बनता है काम। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 2011 से अब तक अगर ब्याज की बात करें तो 11,000 करोड़ का ब्याज, और उसके अलावा आपका जो अपना आकलन है कि 2011 को छोड़कर 12, 13, 14, 15, 16 में अलग तरीके से जो 7% और 12% ब्याज देने की बात हुई है, एलिंग फैक्ट्री 7% देंगी, जो प्रॉफिट में है वो 12% देंगी, और 2015-16 के बाद से एक अलग 15% की दर से। तो ये जो अलग अलग जो पैमाने आए हैं, क्या उन पर कोई फॉलो अप नहीं हो रहा है? क्योंकि आप बार बार कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर्स लेकर आए हैं, फिर भी उसकी लगातार अवमानना हो रही है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन बेईमान हो चुका है, और केन कमिश्नर को मालूम है कि कोर्ट में खड़े होके उसने क्या किया था। जब पूरा ये हिल गया था, जब कोर्ट ने कहा था तुम्हारे खिलाफ चार्ज फ्रेम कर देंगे, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट है मंत्रियों की या मुख्यमंत्री की, वरना इतनी हिम्मत एक अधिकारी नहीं कर सकता कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, उसने हलफनामा देने के बावजूद भी आज 2 साल में लोगों को पैसा ना मिले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये सपोर्ट है सरकार की है, और नहीं केन कमिश्नर की जो हरकतें हैं
उसके ऊपर जो चीनी मिल का मंत्री है, जो चीनी मंत्री है या चीफ मिनिस्टर है, जो जो आपको बार बार आप देख रहे हैं एड्स दे रहे हैं जी, इन लोगों को एक स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए। अभी तक तो कोई ले नहीं रहा, देखते हैं क्या होता आगे। मैं उसी पर आना चाह रही थी कि जगह जगह ये होर्डिंग्स लग रही हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्मार्टेस्ट सिटी, सबसे अच्छा प्रदेश जिसने कोरोना काल में बहुत बेहतरीन तरीके से स्थिति का सामना किया, टैकल किया। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो मुख्यमंत्री समेत हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का पेमेंट होगा। इस बात को लेकर आप लोगों में, किसानों में किस तरह की किस तरह का गुस्सा है, किस तरह की भावनाएं हैं? देखिए, ऐसा है कि और जहां तक सवाल उठता है इनके बड़े बड़े होर्डिंग्स का, तो ये तो एक्सपोज हो चुके हैं ना कि आपने सती के लिए ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। आप जो है जो दिखाना चाह रहे हो कि 1 करोड़ और 1,40,000 करोड़ हमने पेमेंट कर दिया, फलां कर दिया, किसको कर दिया? टोटल गन्ना 30,000 करोड़ का आपने खरीदा है, तो 1,40,000 करोड़ का आपने दे दिया, तो आपने जो एडवांस में ऐसा दे दिया, आप कहते नहीं हम जब से आए थे तब से हमने दिया है, ये तो अब्सर्ड है ना। अगर किसी आदमी से पूछो तुम्हारा तनख्वाह क्या है, वो 1 महीने की तनख्वाह बताएगा, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया। वो ये नहीं कहेगा जब से मैंने नौकरी चालू करी तब से मैंने जो है 88 लाख रुपया या 90 लाख रुपया कमा चुका हूँ, ये थोड़ा ना कहेगा, वो ये कह रहे हैं। तो इनका तो लॉजिक है नहीं, इट सेंस लॉजिक टोटली। तो अब आप ये बताएं आगे की आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी, क्या आप एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट की तरफ से आप कोशिश करेंगे कि इंटरवेंशन हो? हमने 1.5 साल से कोर्ट बंद है, वर्चुअल कोर्ट चल रहे हैं, उसी का फायदा ही उठा चुके हैं। और जहां तक लोगों का सवाल उठता है, लोगों को बेवकूफ बना बना के बड़े बड़े होर्डिंग लगा लगा के लोगों को लगता भी सबका आ गया, मेरा न्याय मेरा भी आ जाएगा, एक मेंटेलिटी हो जाती है ना इसे जी। जब एक प्रमुख बोल रहा है, मुखिया बोल रहा है हमने इतना दे दिया, सबको दे दिया, बहुत खुशहाल है, कौन खुश है? गन्ना किसान तो खुश नहीं है, पर इनकी तो आदत है बोलने की, योगी जी की आदत है। उन्होंने कहा कोरोना के अंदर प्रदेश बहुत सुखी रहा है, अरे कोई ऐसा गांव नहीं गया जिसमें 2 लोगों से लेके 40 लोग ना मरे, 96,000 गांव मरे। तो इनकी बोलने की बात अलग है। तो ये बताएं विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है, आप लोगों की स्ट्रेटेजी है कि कुछ 3 करोड़ गन्ना किसान है परिवार, ऐसे में जो वोट की चोट की जो स्ट्रेटेजी है वो कितनी कारगर हो सकती है? क्या किसानों में एकजुटता नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर? देखो, हर किसान चाहता है कि इस महामारी के अंदर उसको पैसा मिले। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो महामारी से निकले हैं, पूरे परिवार के परिवार बीमार थे, वो बाहर नहीं निकल सकते, तो इस शक्ल के अंदर आदमी पैसा तो चाहिए उसको जी। बाहर नहीं निकल सकता, कोई ऐसा घर नहीं था जहां महामारी के अंदर जो है बुखार ना, उसके बाद लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इसमें मेरे ख्याल से कोरोना की अगर थर्ड लहर की बात करते हैं, थर्ड वेव की बात करते हैं, तो इनको चाहिए कि कम से कम किसान का पैसा उसके घर तक पहुंचे, कि अगर कोरोना की अगर तीसरी वेव आती है उसके पास इतना पैसा, अपना पैसा कम से कम हो कि डॉक्टर के इलाज के लिए, अपने माता पिता के इलाज के लिए, बाबा के इलाज के लिए, दादी नानी के इलाज के लिए, कम से कम बच्चों के इलाज के लिए उसके पास भरपूर पैसा हो, भरपूर मतलब अपने खुद का पैसा हो जी। ये बड़ी बात है कि किसान अपने ही पैसे के लिए ब्याज समेत भुगतान की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो कि अनसुनी हो रही है। मेरा आखिरी सवाल यही कि यहाँ से अब आप इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को कहाँ जाता देखते हैं, किस तरह का रिजल्ट? देखिए, अभी तो 48 घंटे हुए नहीं है, तो आज रिजल्ट कहना बड़ा मुश्किल है। 70 साल से किसान ब्याज देते आया है, ब्याज उसको मिला नहीं है, ब्याज मिलने की बात हो रही है, 26 साल तो कोर्ट में लग गए हैं ब्याज के लिए। तो आज इनको ये सोचना, ये तो है, इनको मालूम भी है क्योंकि कहीं ना कहीं तो इनको पैसा तो देना ही पड़ेगा, पर जितना डिले करना चाहे, क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा चीनी मिल मालिकों के साथ है, तो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, निभाने दो, अब अपना काम करें, वो अपना काम करें जी, कब तक निभाएंगे हम?
आपकी हमेशा ये स्ट्रैटेजी रही है कि आप कोर्ट के जरिए ऑर्डर लाकर किसानों को राहत दिलाते रहे हैं। यही ऑर्डर आ गया, चीन कमिश्नर ने एफिडेविट दे दिया था कंटेंप्ट उसके खिलाफ था कि ठीक है हम ये पैसा 7% 12% दे रहे हैं, हम 15 नहीं दे रहे। चलो वो तो वो भी नहीं दिया, कोर्ट में जो करेंगे करेंगे, पर अब हर किसान को है कि भाई हमारा पैसा इतने मार लिया, बेवकूफ बना रहे हैं, तो इलेक्शन में अपने मालूम चल जाएगा उनको क्या हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरम सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए और जो स्थिति है उसको हमारे सामने रखने के लिए। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो ये लड़ाई है एक निर्णायक जगह पर, निर्णायक फैसले पर पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।